स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब नतीजों को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की कुल 2049 ईवीएम अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच रखी गई है। स्थानीय पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां यहां कड़ा पहरा दे रही हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे ईवीएम पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। दल के प्रतिनिधि और प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर स्क्रीन पर ईवीएम देख सके, इसको लेकर भी व्यवस्था बनाई गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चौधरी मिश्र ने बताया कि चुनावी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसको लेकर केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया गया। साथ ही एसीपी रेंज के अधिकारी भी वहां बारी बारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? चुनाव की पूरी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है। उसकी अवैध सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर सीपीएमएफ की एक पूरी कंपनी लगाई गई है जो कि लगातार काम कर रही है। इसके अलावा एसीपी रंग के अधिकारी लगातार 24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी में वहां तैनात हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर पूरे कार्यक्रम स्थल की मुख्यतौर पर स्ट्रांग रूम की लगातार निगरानी कर रहे हैं, तो अवैध सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।